18वीं शताब्दी की शुरुआत में महाराजा सवाई जयसिंह इस आर्ट फॉर्म को आगरा से जयपुर लेके आए और तभी से ब्लू पॉटरी का जयपुर से बहुत खास रिश्ता है, इसीलिए इसे GI टैग भी मिल चुका है। ब्लू पॉटरी के बारे में और जानने के लिए मैं मिली प्रजापति परिवार से। इनकी यूनिट जयपुर से 40 किलोमीटर दूर कोटजेवर नाम के गांव में है। मेरा नाम विमल कुमार प्रजापत है और मैं मास्टर क्राफ्ट पर्सन रामनारायण प्रजापत जी का लड़का हूँ। हमारी यूनिट का नाम है RN ब्लू आर्ट पॉटरी और जस्ट अभी हम एक इंस्टीट्यूट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है RN ब्लू पॉटरी ट्रेनिंग एकेडमी। उसका हमारा मेन मोटिव है, यहाँ पे जो वुमेन्स है उनको हम लोग काम सिखाएंगे और उनको बदले में पैसे भी देंगे ताकि वुमेन्स में इस काम को देखने को मिले, इस क्राफ्ट को आगे तक ले जाए। ब्लू पॉटरी की खासियत ये है कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसके मिश्रण को तैयार करने के लिए इसमें क्वार्ट्ज पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, कतीरा गोंद और ग्लास पाउडर का इस्तेमाल होता है। इस मिश्रण का एक डो बनाया जाता है जिसे चपाती जैसा बनाकर फिर सांचों में डाला जाता है। फिर इसके अंदर राख भरी जाती है ताकि ये सांचों का शेप ले लें। सूखने के बाद एक बार फिर उसी मिश्रण से इसके गड्ढे भरे जाते हैं और इसकी फिनिशिंग की जाती है और इसे फिर से एक बार सुखाया जाता है। इस बार सूखने के बाद सैंड पेपर से घिसकर इसकी सतह को स्मूथ बनाया जाता है। फिर इसे उसी मिश्रण में डुबोकर इस पर एक और परत चढ़ाई जाती है और इसे फिर से सुखाया जाता है। मेरे पापा जी ये काम पिछले 40 साल से कर रहे हैं और वो स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क करते आ रहे हैं। वो अकेले बंदे ऐसे हैं जो मोर देन 150 आर्टिसंस को संभालते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसमें हर प्रोसेस को हाथों से ही किया जाता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है और अपनी इसी मेहनत के कारण RN ब्लू आर्ट पॉटरी ने एक मुकाम हासिल किया है। अभी हमें बेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है, अभी हमने नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया। 12 घंटे हम लोग ये काम करते हैं, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। और अब ये डिजाइन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ब्लू पॉटरी में रंग भरने की प्रक्रिया बहुत ही अनोखी और रोमांचकारी है। जिन रंगों का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो है कोबाल्ट ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। भट्टी में जाने के बाद कोबाल्ट ऑक्साइड गहरे नीले रंग में बदल जाता है और कॉपर ऑक्साइड हल्के नीले रंग में। इन्हीं रंगों के कारण इसे ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। रंगों के ऊपर ग्लेज चढ़ाया जाता है और फिर से इसे सुखाया जाता है। भट्टी में जाने के बाद इसी ग्लेज के कारण रंग बहुत ही शानदार, चमकीले और जानदार बन जाते हैं। ये कला आज कहीं ना कहीं मरती जा रही है और आज का युवा इस कला के प्रति उतना उत्साहित नहीं है। इसमें मेहनत ज्यादा है, काम ज्यादा है और पैसा कम मिलता है, इसलिए लोगों का रुझान इसमें कम है। यहाँ पे आर्टिजनों के पास में कला है लेकिन वो अपनी कला को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं ले जा सकते क्योंकि उनके पास में एजुकेशन की कमी है और भी कई चीजें ऐसी आती है जो सरवाइव नहीं कर पाते। मार्केटिंग आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है लेकिन विमल जी जैसे युवाओं के जुड़ जाने के बाद बहुत सा काम ऑनलाइन किया जाने लगा है। और नई यंग जनरेशन के लिए मैं खुद एक मैसेज हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोई नहीं करता था काम, आज कम से कम 20-30 यंग जो आर्टिजन है वो काम करते हैं साथ में मिलके। खुशी मिलती है कि हम लोग इस कला को जिंदा रख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।